hello students, hope everybody is fine and doing well. in today's video i'm going to tell you about essay writing because this is important from your exams point of view. first of all, we should know that what is an essay? okay, i have jotted down the definition of essay. an essay is a short formal piece of writing dealing with a single subject. it is typically written to try to persuade the reader using selected research evidence. okay, this is a short piece of formal writing. आर दिस इज आथर्स ओन पर्सनल फीलिंग्स पर्सनल सेंस वट एवर ही टू राइट दिस इज़ आथर्स ओन ओकेज़ ओन आरगूमेंट्स एज वेल दैट इज़ एस एट वी कैन से एंड यू नो राइटिंग इन एस एफन सीम्स टू बी अ ड्रेडेड टास्क अमंग स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल लगता है जब लिखते हैं ऐसे लिखो हमें तो अभी तक ये चीज़ का गोटा हो गया है कि वो वंडर्स ऑफ साइंस आता है हमने याद कर लिया है मॉर्निंग वॉक याद कर लिया है स्प्रिंगिंग कश्मीर लाइक दिस थिंग्स या एनवायरमेंटल पोल्यूशन सो व्हेन यू आर नॉट हैविंग द टॉपिक जब आपके पास टॉपिक पहले से नहीं होता है एंड सडनली यू आर आस्क टू राइट एन एस ऑन दैट टॉपिक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्क टू राइट एन एस ऑन योर आई अपनी आँख पे एक ऐसे लिखो This is a dreaded task for you now, okay here are some tips which may help you to write a good essay a better essay. The first is pick a topic first necessary and important thing is that you should have a topic you may have your topic assigned it, or you may be given free ring to write on the subject of your choice this is first essential. Think in essay writing that you have to थिंक इन एस दैट यू है टॉपिक एन आउटलाइन आ डग्राम ऑफ योर आइडियाज़ ठीक है अब ये डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि आपके जो जहन में आइडियाज आते हैं ये नहीं है कि आप, आपको आंसर छीट मिली है आप उस पर डायग्राम बनाना शुरू कर दें नहीं ऐसा नहीं करना आपने आपने अपने मन ही मन में अपने इमेजिनेशन में लाना है सब कुछ अपने आँखों के सामने इसकी एक डायग्राम बना लेनी है एंड अक्सेसफुल ऐसे यू मस्ट ऑर्गेनाइज यूर था यू हैव टू आर्गनाइज़ योर थाट्स आपके जो जहन में जो थाट्स आ रही है ना ऑर्गेइज़ करने खुद ही अंदर बनाने पेज पर पे नहीं बनाने पहले ठीक है पेज पर पे तब बनाने जब जहन में बन गया फिर जाके पेज पर पे लिखना आ गई थर्ड वन इज राइट योर थीसीज स्टेटमेंट ठीक है नो देट यू हैव चूजन अ टॉपिक अभी आपने टॉपिक भी चूज कर लिया एंड सॉटेड योर आइडियाज़ इंटू रेलिवेंट कैटेगरीज अपने आइडियाज़ भी आपने आउटलाइन बना ली ठीक है यू मस्ट क्रिएट अ थी स्टेटमेंट अब आप एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं यूर थीसिस स्टमेंट टेल्स द रीडर दैट द पॉइंट ऑफ यूर एस थीसिस स्टेटमेंट होगी ना यही आपके रीडर को बता देगी कि आप किस बारे में ऐसे लिखने जा रहे हैं लुक एट योर आउटलाइन और डायग्राम ठीक है आपकी जो आउटलाइन है उसके ऊपर जहन रखना है वट आर द मेन आइडियाज़ योर थीसिस स्टेटमेंट विल हैव टू पार्ट्स ठीक है आपके जो मेन आइडियाज़ हैं उन पे आपने ध्यान रखना है वट आर योर मेन आइडियाज़ वट आर यू गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओके सो एनदर इज द यूर थी स्टेटमेंट हैज़ टू पार्ट के दो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट स्टेज द टॉपिक एन फर्स्ट पार्ट यू हैज अ टॉपिक एन अदर सेकेंड पार्ट स्टेज द पॉइंट ऑफ दहले पार्ट में आपने जो ही आप पैरा लिखने वाले हैं ठीक है पहले पार्ट में आपने क्या करना है टॉपिक अपना ठीक है अभी आपने लिखना नहीं है याद रखना अभी तक आपने लिखना शुरू नहीं किया अभी जहन में आपने टॉपिक पिक कर लिया या तो टॉपिक दिया है या खुद पिक कर लिया फिर अपने अपने जहन में अपने आइडियाज़ फ़्रेम कर दिए फिर अपने जहन में ही अब इन आइडियाज़ को आप लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल आर्डर या लॉजिकल सीक्वेंस में ला रहे हो ठीक है थॉटफुल आइडियाज़ ला रहे हैं ठीक है और ये जो थाटफ फुल आइडियाज़ हैं ये तो पहले पार्ट में आप इसको सोच बनाओगे इसका टॉपिक दूसरे पार्ट में पॉइंट ऑफ द ऐसे क्या रहेगा अब इसके बाद आपके जाके स्टार्ट होती है बॉडी ठीक है अब आप लिखना शुरू करेंगे भाई द बॉडी ऑफ़ योर एस ए आर्ग्यूज एक्सप्लेन आर डिस्क्राइब्स योर टॉपिक ठीक है या आर्ग्यू करेगा एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करेगा बॉडी में जो हम लिखते हैं ठीक है ईच मेन आइडिया दैट यू रोट इन योर डायग्राम और आउटलाइन विल बिकम अ सेपरेट सेक्शन विद इन द बॉडी ऑफ योर ऐसे ठीक है जो भी आइडिया हो ठीक है जो भी आउटलाइन है आपके ऐसे में सेपरेट पार्ट बनता जाएगा मतलब आपके जो जो आइडियाज आते जाएंगे आप पैरा देते जाएंगे उसको ठीक है देन अनदर इज द कंक्लूजन कंक्लूजन ब्रिंग्स क्लोजर ऑफ़ द टॉपिक एंड सम्स अप your ओवरऑल आइडियाज़ while प्रोवाइडिंग अ फाइनल perspective ऑन योर टॉपिक ठीक है सॉरी बॉडी के बाद एक चीज और आती है उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं ठीक है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ओके इसमें क्या होगा जो आप, आपकी जो बॉडी है अभी मैंने बताया कि आप जो बॉडी लिखने वाले हैं बॉडी में आप अपने इंट्रोडक्शन देनी है सबसे पहला जो होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा ठीक है उसके बाद बाकी जो पैरास होंगे वो आप देते जाएंगे according to your outline according to your diagram according to your thoughts your your main points theek hai uske baad aapki conclusion hai conclusion is the final touch of your essay now theek hai ab uske baad last pe maine likha hai at the finishing touch theek hai finishing finishing touch mein kya hota hai जब आपने essay लिख दी होती है and you are thinking that no I am somehow wrong no this is wrong this is wrong रॉन्ग जैसे आप एग्जाम में आप लिख रहे होते हैं ऐसे तो लास्ट पे बोलते हैं नहीं nee, सर अभी नहीं पेपर नहीं लेना प्लीज़ मैं देखती हूँ मैं रीचेक करती हूँ लाइक दिस थीके? तो ऐसा करने से क्या होता है भाई ये फिनिशिंग टच दे रहे होते हैं अपने बिफोर यू कंसिडर दिस वर्क यू मस्ट पे अटेंशन टू ऑल द स्मॉल डिटेल्स ठीक है हर एक छोटी डिटेल्स को आप अच्छे से जांचना है आपने मेक श्योर मेक श्योर सेंटेंस फ्लो इज़ स्मूथ एंड एड फ्रेजेज टू हेल्प कनेक्ट थाट्स और आइडियाज ये चीज़ अपने जहन नशी करनी है कि आपके जो सेंटेंस फ्लो है स्मूथ है एंड यू कैन एड योर फ्रेजेज ओके टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव Check your essay for grammar and spelling mistakes, and at the end, check your essays because there are some grammar and spelling mistakes. Check that as well. And while following these points, you can write a better and best essay. Okay, hope you will understand it. And if you may feel any problem, number is given. You can message me, you can text me, or you can WhatsApp me, you can call me. Okay.